बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है, मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है, जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है, मेरी श्यामा महारानी की सिंदूरिया साड़ी है, चोली है श्याम रंग की, होठों पर लाली है, उनके माथे की बिंदिया की, उनके माथे की बिंदिया की चमकार बड़ी सोनी है, हो उनके माथे की बिंदिया की चमकार बड़ी सोनी है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है, जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी के हाथों में कांडो कड़ी, उनकी दश अंगुलियों में अंगूठियां रत्नों जड़ी, हो उनके पैरों की पायल की, उनके पैरों की पायल की जनकार बड़ी सोनी है, हो उनके पैरों की पायल की जनकार बड़ी सोनी है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है, जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। सखी मूल मिलावे में राज श्यामा जी विराजे है, एक चरण है चौकी पर दूजा जांग पे धारे है, उनके चारों चरणों का दीदार बड़ा सोना है। ओ मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है, जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है, जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना।
सिंगार बड़ा सोना है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धर्म प्राण, धर्म निष्ठ, श्रद्धा सुमन आप सभी सुंदर साज जी को कोटि कोटि वेर प्रेम प्रणाम करती हूँ। प्यारे सुंदर साज जी, जिन श्री श्यामा जी महारानी के श्रृंगार के विषय में हमने सुना, इन्हें श्यामा जी महारानी का प्राकट्य इस संसार के बीच में धनिश्री देवचंद्र जी के रूप में हुआ और यह आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ धाम की ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने के लिए। वे कहते भी हैं कि हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। धाम के सखियों को जगाने के वास्ते यही सुंदर बाई सखी यहाँ मानवी देह को धारण करती हैं। श्री सतगुरु स्वरूप हो करके श्री श्यामा जी महारानी की सुरता माल लेकर, तारतम लेकर यहाँ संसार के बीच में प्रगटे हैं। प्यारे सुंदर साज जी, चौदश की तिथि के दिन हम उनके प्राकट्य को मनाते हैं और इसीलिए जिस प्रकार श्री इंद्रावती सखी वाणी के अंदर सुंदर बाई ने किए हुए गुण श्री श्यामा जी महारानी के किए हुए गुणों को याद करती हैं, तो आइए इसी वाणी के प्रकरण में जीलना करते हुए हम भी उनके गुणों को स्मरण करें और जो चौदश की तिथि है उस दिन पर हम उनके प्राकट्य को मनाएंगे। तो आइए प्यारे सुंदर सांत जी, श्री राज श्यामा जी के चरणों में वंदना के साथ आज के इस सत्र को शुभारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षिणा। लाख तली लाल मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू ना। पलना वालों निरखों नेत्रे मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय ब्रह्मलीन वाणी आचार्य श्री दीनदयाल जी गुरुजी के पावन चरण कमल में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी सुंदर साज जी को कोटि कोटि वेर प्रेम प्रणाम करते हुए, आइए सुंदर साज जी, प्रकाश ग्रंथ के अंदर जिस प्रकार श्री इंद्रावती सखी जी ने सतगुरु स्वरूप के गुणों का गान किया, स्मरण किया है, आइए इस वाणी में जिलना करते हुए श्री सतगुरु स्वरूप को हम यहाँ स्मरण करते हैं। श्री प्रकाश वाणी एवं तीसरा जो प्रकरण है, साथ सकल तुम याद करो जिन जाओ वचन विसार जी। अब इन उजाले जो न पहचाने तो आपन बड़े गुनेगार जी। चरणे लाग कहे इंद्रावती पियू जी के गुण अपार जी, पियू जी के गुण अपार जी। साथ सकल तुम याद करो जिन जाओ वचन विसार जी। श्री इंद्रावती सखी
जिनके हृदय रूपी धाम में विराजमान हुए श्री सतगुरु स्वरूप। जाहिर में देखा जाए तो विक्रम संवत 1712 में धनी श्री देवचंद्र जी ने अपने स्थूल शरीर को परित्याग किया, किंतु जागनी तो अभी शुरू मात्र हुई थी। 313 का जगाने के पश्चात 12,000 की जागनी का उत्तरदायित्व तो है उनके सिर पर। इसीलिए इंद्रावती सखी के हृदय को अपना धाम बना करके यहाँ विराजमान हो करके सभी सुंदर साथ को दोबारा प्रकट हो करके वाणी के रूप में जगाते हैं श्री सतगुरु स्वरूप। और इसी संदर्भ में श्री इंद्रावती सखी जी जो केवल बाह्य रूप से नजर में तो आ रही हैं, किंतु उनके हृदय भीतर से बोलने वाली जो शक्ति है वह तो श्री श्यामा जी की रसना है, धनी जी का जोश है। और बाह्य रूप से देखें, जैसे कि अगर कोई स्पीकर बोल रहा है, कोई वक्ता कोई प्रवचन करते हैं, वो माइक के आश्रय अपनी आवाज को पहुंचाते हैं और फाइनली जो स्पीकर एम्पलीफायर आदि होते हैं वो उनके आवाज को बड़ा करके सभी के कानों तक पहुंचाते हैं। किंतु ये जो सारे साधन माइक एम्पलीफायर इत्यादि जो स्पीकर्स हैं वो तो तब ही काम आएंगे, तब ही आवाज को प्रकट कर पाएंगे जब बोलने वाले वक्ता बात करेंगे। अगर वक्ता कुछ न कहे तो ये उपकरण काम आएंगे नहीं। यहाँ पर वक्ता के स्थान में स्वयं श्री सतगुरु स्वरूप इंद्रावती सखी को अपना बाह्य माध्यम बनाते हुए उनके हृदय में बैठ करके इस वाणी को बोल रहे हैं। जो काम श्री सतगुरु स्वरूप ने पहले देह में होकर के शुरू तो किया था, किंतु उस देह के द्वारा पूरी तरह से वह कार्य संपन्न नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी 12,000 सखियों की जागनी बाकी है। उन्हीं के लिए पाछला 7 कारणे ए वाणी कही। तो इस वाणी को अपना माध्यम बना करके प्यारे सुंदर साह जी श्री सतगुरु स्वरूप हम आप सभी को जागृत करते हैं। हे मेरे सकल साथ, तुम याद करो, ये जो सारी बातें हमने भुला दी, वतन विसार दिया, वतन विसार यारे छले किए हैरान। इसीलिए छल की माया, ये माया की भोम के अंदर आकर के हम आप सभी परेशान हुए जा रहे हैं। अगर हमें अपनी मूल वास्तविकता याद आ जाए तो ये माया इस प्रकार से हमें परेशान हैरान कदापि कर नहीं सकती है। All this is because of the delusion, ये भ्रम के कारण है। वो भ्रम का पर्दा जब बुद्धि के आड़े आ चुका है, इसी के कारण बुद्धि का जो विवेक है, जो विवेचनशीलता का उसका गुण है, वह काम नहीं आता। और इसीलिए सत को झूठ मान बैठते हैं, असंभव सा लगता है, और जो झूठ है जो मिथ्या है वो अपना सा लगता है। सुंदर साह जी, कितनी सत बात है यह कि जो परमधाम सत भूमिका है, जहाँ हम हमेशा निवास करते हैं, वह सत की भूमिका यहाँ से बैठ करके देखने से सर्वथा दूर नजर आती है। और वहां पहुंचने के लिए जो परिश्रम करना है, वहां पहुंचने की जो साधनाएं जो हमको करनी है, उसमें भी हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वो तो सत है, सत के आगे यह झूठ है, किंतु सारे उपकरण जो है वे झूठ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे ही गुणंग इंद्रिया, हमारे ही शरीर के उपकरण ये झूठ माया को अपना करके स्वयं का मानते हैं। तो हमें लगता है कि संसार में रहना सरल है, किंतु वास्तविकता अलग ही है। और ये सब कुछ हुआ उस भ्रम के कारण कि मैं यहाँ से उत्पन्न हूँ और मैं यहाँ पर ही रहने वाली हूँ। श्री प्राणनाथ जी यहाँ कह रहे हैं
हृदय से श्री सतगुरु स्वरूप हम सभी को सचेत कर रहे हैं, जिन जाओ वचन विसार जी। प्यारे सुंदर सांझ जी, इस भ्रम को अपने से दूर करने का एकमात्र उपाय है कि धनी की वाणी, धनी के वचन, इन्हें कदापि भूलना नहीं, विसारो नहीं, छोड़ो नहीं। जब तक इस वाणी के संपर्क में हम रहते हैं, तो ये वाणी के जरिए हमारा जो मन है वो एक वाणीमय तरंगों के अंदर झूमता है, और उसी के कारण संसार के दुख, संताप इत्यादि वे हमें स्पर्श नहीं कर पाते हैं। जैसे ही वाणी को छोड़ दिया अथवा भूल बैठे कुछ क्षणों के लिए, तो पुनः वह माया आवरण डालने में कोई समय नहीं लगाती है। उसके लिए तो पाव पल ही काफी हो जाएगा कि हमें पुनः भुला दे। वो तो यही चाहती है, वो तो इसी भांति से हमारी हंसी कराना चाहती है। तो सुंदर सांझ जी, जिस बुद्धि के आड़े वह भ्रम आ जाता है, वही मूढ़मति है, जिसके अंदर विवेकशीलता नहीं है। किंतु वह बुद्धि, वह इंटेलेक्ट, जिसके आड़े से ये भ्रम का पर्दा उड़ चुका है और जिसने वास्तविकता को जान के अपना लिया है, उस बुद्धि के लिए फिर यहाँ के कोई भी साधन इत्यादि, विषय तत्व आदि उस परम सत्य से बढ़कर नहीं होंगे। तो प्यारी सुंदर सांझ जी, यहाँ पर भरम भूंडो तमे पर हरो, जेम थाए अजवाड़ु अपार। वचन वाला जी तणे तू मुड़गा सुख संभार। ये जो भ्रम है उसकी तुलना एक भूंड के साथ में की गई है, स्वर के साथ में की गई है, जिसको अगर बार बार मार करके जिस दिशा में वह जा रहा है उससे दूर किया जाए तब भी वह मानेगा नहीं। बड़ा ही ढीठ होने के कारण वो उसी दिशा में आपको ले जाएगा। तो ये भूंड की विशेषता होती है, और इसीलिए भ्रम की तुलना यहाँ पर उस भूंड के साथ में की गई। उसको चाहे जितना आप छोड़ने का प्रयास करेंगे, जितना अपने आप को विश्वास में चलाने का प्रयास करेंगे, उतना ही वह भ्रम आपको उल्टी दिशा में पुनः पुनः ले जाएगा। किंतु इसीलिए श्री सतगुरु ने कहा कि वचन को नहीं भूलना, वाणी को नहीं छोड़ना, ये वाणी एकमात्र उपाय है इस भ्रम भ्रांति को उड़ाने के लिए। इसीलिए बार बार यहाँ पर एम्फसाइज करते हैं, बार बार हमें वाणी को न छोड़ने के लिए, विवेचन को न छोड़ने के लिए आग्रह करते हैं। धनी मिले आपन को माया में, इसीलिए तो धाम धनी आए। माया के बीच में मिले क्योंकि धनी श्रीराज जी जानते हैं कि इस भोग का जहर बिना तारतम के कोई उतार नहीं सकता। इस जहर को उतारने के लिए अमल जो चढ़ा हुआ है, वही अमल, वही हमको दुख दे रहा है। दुख देने वाले अन्य कोई नहीं है। जो अमल यानी कि जिस प्रकार का जहर का नशा चढ़ जाता है, इंटॉक्सिकेशन जो हो जाती है, उसी के कारण से हम इस दुख की अनुभूति करते हैं। हमारा मन ये सोच बैठता है मुझसे ये नहीं होगा, पहले ही हम हार मान लेते हैं। ये साधना ये तो बड़ी कठिन है, मेरे से होगी नहीं। ये चौपाई ये तो मुझसे याद नहीं होगी। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो नेगेटिविटी हम लोगों ने अपना के रखी है, वो सब उसी कारण से है कि हमारा मन इस भ्रम के अंदर डिप्रेस होकर के नेगेटिविटी को लेकर के बैठा हुआ है। वाणी के अंदर इंद्रावती सखी इसका यही उपाय देती हैं कि हे साथ जी, वचन वाला जी तणे, वाला जी के वचनों को तू मुड़गा सुख संभार। इन वचनों के द्वारा मूल के सुखों को स्मरण करते रहो, तब जा करके ये माया फिरक नहीं सकेगी। द मोमेंट यू गेट अवे
ब्लिस ऑफ परम धाम, द माया विल टेक ओवर अगेन। तो इस माया को अपने आप के ऊपर हावी ना होने देने के लिए यही उपाय वाणी एकमात्र उपाय है जो धनी जी ने इस माया के बीच में ला करके हम आपको दिया है। प्रकाश वचन अति भारी जी, और उसमें इस प्रकाश वाणी के जो वचन है यह अत्यंत भारी है। सुंदर साज जी, हम संध्या समय में यह गान भी करते हैं कि रास चरण प्रकाश पिंडुरिया। प्रकाश को पिंडुरिया के साथ में कंपेयर किया है वो इसीलिए क्योंकि शरीर का सारा बोझ थाम करके हमारे पैर और पैरों की पिंडुरिया इस शरीर के वजन को थाम के खड़ी रहती है। इसी कारण से जब वाणी की शुरुआत होती है, वाणी का अध्ययन मनन कराने की शुरुआत जब होती है तो रास के बाद तुरंत क्रम से प्रकाश वाणी में जाया जाता है। प्रकाश वाणी के वचनों को इतना भारी कहा गया क्योंकि सर्वप्रथम हमारे अंदर के भ्रम भ्रांति को मिटा करके हमारी मूल पहचान, धनी की मूल पहचान, किस स्वरूप में धनी यहाँ पधारे हैं, इनकी मूल पहचान, ये सब कुछ प्रकाश वाणी में बताया हुआ है। इसी प्रकाश वाणी के अंदर श्री सतगुरु स्वरूप के अनेकानेक गुणों को गान करती है इंद्रावती सखी। इसी प्रकाश वाणी के अंदर में आत्मा के भ्रम भ्रांति को दूर करने का उजाला छिपा हुआ होने से ही वाणी इस ग्रंथ का नाम ही श्री प्रकाश ग्रंथ कहा हुआ है। तो सुंदर साजी, इस प्रकाश ग्रंथ के वचन जो हैं, ये पहचान कराने वाले हैं। पहचान करा करके ये हमारे अंदर भ्रम भ्रांति को दूर करते हैं और इसीलिए इन वचनों को अत्यंत भारी में भारी कहा हुआ है। साथ वचन ए चित्त दे सुनियो, और यहाँ मूल में इंद्रावती सखी हमसे कहती हैं, हे मेरे धाम के साथियों, इन वचनों को चित लगाकर, दिल लगा करके आप श्रवण कीजिए। क्योंकि बाह्य कानों से सुनोगे तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दोगे, किंतु अगर बाह्य कानों को माध्यम बनाते हुए चित्त से हृदय के अंदर इन वचनों को उतार लिया तो जो मूल पहचान हमारे धनी जी की है, वही मूल पहचान या हमारे दिल के अंदर रिफ्रेश हो जाती है, प्रकट हो जाती है। जब हम कंप्यूटर आदि भी ऑपरेट करते हैं तो हम रिफ्रेश की का सहारा लेते हैं, जिसके द्वारा जो जो मेमोरीज के अंदर पीछे चला गया होता है वो रिफ्रेश होकर के और उभर के आ जाता है। यहां भी उस भ्रम के कारण धनी की पहचान को हमने भुला दिया। यही मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, पुनः उजागर करने के लिए ये प्रकाश वाणी हमें याद दिलाती है। तो साथ जी, चित्त दे करके सुनना, मात्र बाह्य कानों से सुनना नहीं। देखियो तारतम विचारी जी, और इस प्रकार से तारतम द लिंक। तारतम क्या है? तारतम के वचनों के अंदर उजाला है। तारतम महज एक महामंत्र न समझ करके तारतम के अंदर समस्त आत्मा और परमात्मा की पहचान का खजाना छिपा हुआ है। इस खजाने की जो चाबी है, जो कुंजी है, वह तो तारतम महामंत्र है। इस महामंत्र को जो आत्मा ग्रहण कर लेती है उसके लिए वह खजाना सुलभ हो जाता है, और इस महामंत्र को जिसने ग्रहण किया अब वह तारतम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ती है, इस प्रकाश को अपने दिल में उजागर करती है। सुंदर साज जी, श्री इंद्रावती सखी जी कह रही हैं कि देखियो तारतम विचारी जी, तारतम के ज्ञान इन वचनों को लेकर के ऐसे विचार करो
शास्त्रों में क्या कहा है। शास्त्रों के अंदर की जो बातें हैं वह तीन गुण के विस्तार को, आत्मा तत्व को इंकित करती है। परमात्मा तत्व की बात तारतम्य में मिलेगी। Where the शास्त्रास एंड तारतम बिगिंस। तो यहां पर तारतम की शुरुआत ही वहीं से होगी जहां शास्त्रों का ज्ञान संपूर्ण होगा। सारी जो सीढ़ियां हैं वो शास्त्र चढ़ा सकते हैं, किंतु प्यारे सुंदर साथ जी, जो आत्मा और परमात्मा के संबंधी ज्ञान का प्रकाश है वह तो तारतम ही कराएगा। तारतम के वचनों पर विचार करने से आत्मा परमात्मा का मिलान होता है। तो इसलिए इंद्रावती सखी कह रही हैं कि ये तारतम का ज्ञान जो प्रकट हुआ, हे साथ जी, ये तो मनोमंथन का ज्ञान है। जितना भी मथना हो हम क्या करते हैं, घऊ और जऊ के अंदर हमें किसे पीटना है, किसको यहाँ पर लेके ग्रहण करना है, तो घऊ को लेना है, उसके ऊपर के छिलके को लेना नहीं है। किंतु हम वही करते हैं रात दिन इस माया की बातों को लेकर के, जैसे भूस को कूटा जाता है इस प्रकार से कूटते रहते हैं। जो असली है, जो वास्तविक है, जो ग्रहण करने योग्य है, उसे कम समय दे करके अन्य बातों में ज्यादा समय को हम गुजारते हैं। किंतु यहाँ पर श्री प्राणा जी इसीलिए कह रहे हैं कि यही चाल तुम चलियो साथ जी। वचनों के ऊपर गौर करिए, वचनों के ऊपर विचार एवं मंथन कीजिए। इसी चाल को अपना करके हमको चलना है जो मेरे धाम धनी सतगुरु हमें बता रहे हैं। यही पाऊं परवान जी। परवान यानी कि प्रमाणिक रूप से ऐसे ही कदम के ऊपर कदम रख करके हमको चलना है। जैसा सतगुरु स्वरूप ने साक्षात रूप में बताया, उन्हीं मार्ग के, उन्हीं वचनों के ऊपर चलते हुए जाना है जो वे इस वाणी में हमको बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रगट मैं तुमको पहले कहिया। तो मेरे प्यारे सुंदर सा जी, इंद्रावती सखी जी जो रास ग्रंथ के अंदर की बात को इंकित करती हुई कहती हैं कि मैंने रास ग्रंथ के अंदर हमारे पगले के विषय, कैसी चाल को हमें अपनाना है, इसके विषय में तो मैंने पहले ही आपको कह दिया है। एरे पगले चाल जो कहीं पगला, एरे प्रमाण सुंदर साथ जी। व्रज से रास में जाते वक्त जो मूल बात हमको यहाँ कैच करनी है, What we need to understand is the way we left the Vraja Leela and we proceeded on to the Ras Leela. तो इस बात को समझा रहे हैं यहाँ पर कि कैसे पदचिन्ह हमको चलने हैं, कैसे गोपियों ने संसार को परित्याग किया जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि भी परित्याग नहीं कर पाए, ऐसे गोपियों ने यहाँ शरीर और संसार को चुटकी बजाते ही परित्याग किया। तो उसके पीछे का कारण था कि उनकी जो लगन लगी हुई थी वो अपने धनी से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण के बिना किसी की छवि को वो देखते नहीं है। सारे काम में पहुंचते हुए भी उनकी मनोदशा कुछ इस प्रकार की थी। इसी मनोदशा को अपनाने के लिए यहाँ पर पुनः पुनः वाणी में आग्रह करते हैं कि हे सुंदर साथ जी, वो चाल जो वहां चली थी, बंसी नाद में दौड़ करके जो गोपियां गई थी, उसी चाल को पुनः यहाँ अनुकरण करना है। यहाँ बंसी नाद की जगह तारतम के वचनों की नाद हो रही है। इन तारतम के वचनों को श्रवण मनन करते हुए, हृदय में धारण करते हुए इस बंसी नाद को हमें फॉलो करना है। तो हे साथ जी, भी कहूं निर्वाण जी, जो वचन मैंने पहले प्रकट रासलीला के विषय में बताए वही यहाँ पर मैं पुनः आपको बता रही हूँ। निर्णायक रूप से मैं आपको यहाँ बता रही हूँ और आप सभी को आग्रह करती हूँ कि
ये जो भाव गोपियों ने लिया था, इस भाव को हमें यहाँ भी धारण करना है। साथ जी, हम कहते हैं त्याग और परित्याग। त्याग के अंदर ये भावना है कि मैंने सैक्रिफाइस कर दिया, मैंने इस वस्तु को छोड़ दिया है। परित्याग के अंदर एक और भाव जुड़ जाता है कि मैंने हमेशा के लिए इसको छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से अच्छी तरह से अपने दिल के द्वारा उसको जिसने त्याग दिया, तब वह परित्याग होता है। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ रिनंसिएशन। यही एटीट्यूड को हमें समझ करके अपनाना होगा। इसी बात को विरक्ति कहते हैं कि इस संसार में रहकर अपने सारे कर्तव्यों को पालन करते हुए भी जो चित्त लगाया वो सत्य की तरफ लगा दिया। संसार के अंदर रहते हुए भी, कार्य करते हुए भी लक्ष्य को उन्होंने छोड़ा नहीं। समय आने पर जब उनको धनी ने बुलाया तो सब कुछ परित्याग करके निकल भी गई। यही तो है तारतम की खूबसूरती, यही तो है प्रेम की खूबसूरती कि वह हमारी जिम्मेदारियों के बीच में न आकर के जो दिल के अंदर विरक्ति का भाव है उसे लेकर के धनी जी के प्रत्येक कुर्बान है। तो जब सही समय आता है तो सब कुछ परित्याग करने के लिए वह बिल्कुल तैयार रहती है। इस प्रकार से अपने ही चाल चलन को हमें दोबारा से अपनाना है। इस तरह से यहाँ इंद्रावती सखी हमें समझाती है। अब जिन माया मन धरो तुम देखी अनेक जुगत जी। हे मेरे प्यारे साथ जी, अनेकानेक जुगत यानी कि युक्तियों से ये माया हमको घेर रही है। कौन सी ऐसी युक्ति या जुगत होगी जिससे माया ने हमको घेरा नहीं है? अरे वो तो हर प्रकार से हमको घेर रही है। सुई ने सुई सुता सु करो रिया विषम ठिकाना माहे जी। ये तो विषम कठिनाती कठिन जगह है जहां सर्वत्र माया ने घेर रखा है। कई कई विध कैया में तुमको, इसीलिए मैंने भी जिस तरह माया ने कई जुगतों से घेरा हुआ है, इसी तरह मैंने कई कई विधों से आपको समझाया है इस वाणी के विषय में, इसके महत्व के विषय में। तो प्यारे साथ जी, इंद्रावती सखी का यह आग्रह है, अजहु ना हुए त्रपत जी, क्या अभी तक भी संतुष्टि नहीं मिली इस माया को भोग करके? ये माया को भोगना या माया हमें भोग रही है? एक जो होता है ना कि शरीर में जब त्वचा का कोई रोग जैसे एक्जिमा आदि किसी को हो जाते हैं, तब उसे खुजली होती है और खुजलाते खुजलाते उसे आनंद की अनुभूति होती है। जितना भी उसको खुरेतेगा उस घाव को, उतना उसको आनंद महसूस होता है। किंतु हुआ क्या कि उसमें से खून जो है, ब्लड जो है, वो निकलने लग जाता है। अपनी ही हानि होती है, लगता है कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। इसी प्रकार से हमारा जो समय है, अमूल्य समय है, इस समय को हम जब माया के विषय वस्तुओं को भोगने में लगाते हैं, आनंद जैसा अनुभव लगता है, किंतु जब समय हाथ से निकल जाता है तत्पश्चात दुख के सिवा हाथ कुछ नहीं होता, नुकसान के सिवा हाथ में कुछ नहीं लगता। इसीलिए इन विषय वस्तुओं के लोभ लालच के अंदर न पड़ते हुए, हे प्यारे सुंदर साजी, क्या अभी तक आप तृप्त नहीं हुए हैं? कईयो जन्म से तो माया हमें भोग रही है, हमें लगता है हम माया को भोग रहे हैं, किंतु ये माया हमारे कई सिरों को ले चुकी है। सिर लेने का मतलब कई जन्म को ले चुकी है। अब तो इस जीवात्मा के जागने की वेला आ चुकी है। अब इससे तृप्त हो करके प्यारे सुंदर साजी, ये जन्म का ये सिर धनी चरणों में, सतगुरु चरणों में अर्पण कीजिए।
जो सतगुरु हमें लेने आए हैं उनके श्री चरणों में इस शीश को अर्पण करते हुए इस फेरा को फोकट होने नहीं देना, फोकट फेरा म खारे खा। तो इस प्रकार से इंद्रावती सखी का कहना, मेरे धनी जी के गुण हे सुंदर साजी, हम आप सभी मिलकर के देखें कि कैसे मोह सागर के बीच प्रियतम धनी हमको जगाने हेतु आए हैं। इन्हीं के वाणी वचनों से दूर न हो करके, पल मात्र भी इनको अपने से दूर न करते हुए हमारे जीवन को सार्थक करने की यह बेला है। तो सात जी, मन की सारी नेगेटिविटी को छोड़ करके सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब शोक, इसे अपने स्लोगन के रूप में अपनाते हुए, अपने हिम्मत के रूप में धारण करते हुए, अच्छी बुरी परिस्थितियों का सामना करते करते हमें उस निजधाम को जाने के लिए कटिबद्ध होना है, कमर बांधनी है। इसी सद्भावना को लेकर के प्यारे सुंदर साथ जी, श्री सतगुरु स्वरूप के अनेक अनेक गुणों को हम पुनः पुनः श्रवण करेंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी, आज की मजल को हम यहाँ विराम देते हैं। अब जिन माया मन धरो, तुम देखी अनेक जुगत जी, कई कई विद कया मैं तुमको, अज हूँ ना हुए त्रपत जी, अज हूँ ना हुए त्रपत जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साजी।